चमेली छेली निजर दुईटी छुआ सहित जंगल रे घास खाउथिला। छुआ माने एही जागा बहुत भयंकर, एथि पई खाइबा शीघ्र शीघ्र कर। मा एमिति आमको को पर्यंत डराउथिब, अति कम रे पेट भरी की खाइबा त दिया। सेमिति भी घर को जाई कि आमको कण पतका गाड़ीबार अछि कि तमे निजे भी डरु छ आमको साथी रे डरौ छ भी। बा निमी लागु छ तमे मोठू पड़ हे गलणी। थैंक यू मम्मी। थैंक यू रे झियो, जल्दी खाइने आमको घर को जिबार अछि। दुईटी छुआ को शीघ्र शीघ्र घास खोए के चमेली छेली संध्या हवा पूर्व रोही निज घर को छुआ मन को नहीं के आसी जाए। मां कोह जंगल रे हमर को भलिया विपद आ आपण हमको एकाकी बाहर को जीवा को काहे के दियो नहीं हेले एठी कोन विपद अछि। हां मां तुमको तबे कहिबा को पड़िबो हमको ए जंगल रे को भले विपद अटे। दुई छुआंकर जीत जगु चमेली तांको गोटे कहानी कहे। एहा से दिनर कथा जेते बेले तुमे माने जन्म भी नहीं नथिलो। दिने तुम बापांको सहित मु जंगल रे बुलु थिली, सेते बेले हमर सामना को बहुत सारा बाघ आसी जानती। चमेली आमो मनकर बंचिबा बहुत कष्ट अटे, तनु मु जा कुछ तू ताही कर। ठीक अछि दौड़ एटू रही जा, तमे आमो मनकर पाखर बंची पारिबो नहीं, मु कहली रही जा। दुई जना दौड़ी के निज घर को पहुंची जानती। आ जेमिति चमेली छेली घर को भीतर को पसी जाए, पूनम छेली बाहर कबाट को बंद कर दी। पूनम तुमे कबाट काहे की बंद करलो? चमेली तुमको बंचे बापा एटा दरकार थिला, देखो एबे आ तुमे किछि भी कोना नहले मते मारिबा परे एही बाघ माने तुमको भी मार देबे। आउ किछि समय मध्ये रे सेही बाघ माने तुम बापांको मारि देले। चमेली रो कथा सुनि कि दुई जणा छुआ आश्चर्य हे जानती। मम्मी आज तु मु तमरे सब कथा मानिबी आउ केबे भी एक बाहर को पदा को जिबिनी। मां हमको मिच्छ कहउछंती, मु जानी छ हम जदि घरु बाहर को जिबा नाही सेति पई मां हमको मिच्छ कहानी सुनाउछि। मां आपण हमको मिच्छ रे डराउछंती ना? निज स्वामी को हरे सारी छी, एबे निज छुआ मानन को हरेबा को चाहू नहीं, एथि पई कथा वार्ता सब बंद कर आ शीघ्र मो सहित चलो। जंगल रा निछाटिया रास्ता को पार करी की चमेली छेली निज छुआ को सहित घर को आसी जाए। रातिर समय हे थाए, जेते बेले तीन जण सोई थांती त चुनु छेली चुप करी की घर बाहर को बाहरे, किंतु भूल रे घर रा कबाट को खोला छाडी दे थाए। वाह खोला आकाश रे निश्वास नबा केते भल लागु छी, मा त हमको बेकार डरे डराउ छी। चुनु छेली खोला पवन रे बुलीबा पाई निज घर रु बहुत दूर को चली जाए। आउ सेते बेले ता पाखरे हठात किना गोटे सिंह आसी जाए। अरे बाप रे ये सिंह को आडू पळे आसला, कोन करबी कोन करबी, आईडिया आ पाखरे जमा भी डरिबार नहीं, देखिबा से कोन करूछि। सिंह को देखि कि चुनु न डरिबार गोटे नाटक करे। तते मोठारु डर लागोनी? तमे त देखिबा को बहुत भल लागु छ, हेले मु तुमको कोन पे डरिबी। सिंह मन मन रेही भाबु थाए, मु जानि छि ये छुआ मते न डरिबार नाटक करू अछि, हेले ये छुआटा बहुत साहसी अटे। आउ सेठारे चमेली छेली रा कबाट खुला रही जाय थाए, आउ एहार फायदा उठे कि बाघ माने चमेली रा घर आडो को पसी जांती। त सेते बेले चुन्नु को तार मार शब्द सुभा जाय। बंचा चुन्नु, हमो को बंचा बंचाओ। अरे ये तो मो मार शब्द, मो मां विपद रे अछि, ताकु जल्दी बंचिबा को पड़िबो। सिंह साहसी मान कर सब पाई सहाय्य कर थाए, मु भी तुम सत चालू अछे। जेते बेले सिंह आउ चुनु छेली चमेली रो घर आड़ को पहुंचंती, सेते बेले पर्यंत बाघ माने तांको मारी के खाई सारी थांती। यहा देखि कि चुनु कांदीबा को लागे। मा मते क्षमा कर दियो, मो जको तुम्हारो मृत्यु होई गला। तमो पाई हेले सेटा केमिति? खोला पवन पाइबा पाई जेते बेले मु घर बाहर को बाहर थिली त सेते बेले भूल रे मु घर रो कबाट खुला रखी देई थिली, आज मो पाई मो मां ही मरी गला, एबे मते बंची बारे कोनोसी भी अधिकार नाही। एमिति जमा भी भावना पुओ, सिंह राजा एबे मते आपन मारी किने खाई जानतु, एबे मु जमा भी बंचीबा को चाहू नाही। मो सिंह अटे राक्षस नुहे, दुखी आ दरिद्र माने कर सहाय्य करी थाए, तांको मु मारे नाही, किंतु एबे ए जंगल रे एकला बंची किना मु कोन करबी। निरीह चुनुर अश्रु देखि कि सिंह को दया आसी जाए। कांधो नाही पिला, आज ठारु तुमे हो छमर पुओ, एबे मु तोर पालन पोषण करबी। शेर सिंह चुनु छेली को निजर पुओ मानिनी। आ अन्य दिन शेर सिंह जंगल रे सभा डाके। देखो भाई माने
ମୁଁ ଏ ପିଲାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି, ଏବେ ଇଏ ମୋର ପୁଅ। ବାହାରାଜା ସାହେବ ଆପଣ କେତେ ମହାନ! ଏଇ ଅନାଥ ଛୁଆକୁ ସାହାରା ଦେଇକି ଆପଣ ତ ମହାନତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ହଉଛୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟୁ, ଆପଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ରାଜା। ଶେରସିଂ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରାଜା ଥିଲା, ସେ ସର୍ବଦା ଜଙ୍ଗଲବାସୀଙ୍କର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ତାର ଭଲ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟପଣ ଦେଖିକି ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ତାର ଖୁସି ଖୁସିରେ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶେରସିଂ ଚୁନୁ ଛେଳି ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା, ଏହା ଦେଖିକି ଭାଲୁ କହେ, ହରିଣ ସିଂହରାଜ ଛେଳି ଛୁଆକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ହଁ ନା? ଯେମିତି ଶେରସିଂ ଚୁନୁର ଅସଲ ବାପା। ଶେରସିଂ ଚୁନୁ ଛେଳିର ଗୋଟେ ଭଲ ଭରଣ ପୋଷଣ କରେ, ଗୋଟିଏ ବାପା ବନିକି ତାର ସବୁ ଦରକାର ଜିନିଷ ପୁରା କରେ। ଏପରି ଭାବରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ ଆଉ ଶେରସିଂ ବୁଢା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚୁନୁ ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଶେରସିଂ ଭଳି ବଡ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ। ବାପା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଅ ହବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମତେ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ପୁଅ, ହେଲେ ତୁମେ କରିବାକୁ କଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ସାହାରା ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ପୁଅ। ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ନା ବାପା, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବାଲି ଆସିବା। ଠିକ ଅଛି ପୁଅ, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଶେରସିଂ ଆଉ ଚୁନୁ ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଠାକୁ କିଛି ବାଘ ଆସି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ନିଅନ୍ତି। ଆରେ ବାପରେ, ଏ ବାଘ ମାନେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲେ! ଡର ନାହିଁ ପୁଅ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଏ ବାଘ ମାନେ ତତେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରହିଯାଅ, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ, ଆକୁ ଯଦି ଟିକେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସେ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜିଅନ୍ତା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଭାଇ, ଆ ସହିତ ଲଢିବା ମାନେ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ। ଆରେ ହଁ ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ମରିବାକୁ ଜମା ଚାହୁଁନି। ଆଗର ବିବାର ମୋର ବାହାଘର, ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସରି ସିଂହରାଜା, ଆମେ ମାନେ ଯାଉଅଛୁ। ସମସ୍ତ ବାଘ ଗୁଡାକ ଶେରସିଂଙ୍କୁ ଡରିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାର ବାପାର ଆତଙ୍କ ଦେଖିକି ଚୁନୁ ଛେଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। କଣ କଥା ଆଜ୍ଞା ପିତାଜୀ, ଏବେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ନିର୍ଭୟ ଅଟନ୍ତି, ଦେଖିଲେ କେମିତି ବାଘ ମାନେ ଦୌଡ଼ିକିନା ପଳେଇଲେ। ମୋ ପିଲା ଦେହରେ କି ହାତ ଲଗେଇବ, ଏମିତିକା ପଶୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ। ବାପା, ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ପୁଣି ଶେରସିଂ ଏବଂ ଚୁନୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଶେରସିଂର ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡାକ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଶେରସିଂ କୁହେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି, ସବୁ ଠିକଠାକ ଅଛି ନା? ମହାରାଜ, ବର୍ଷାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି କୂଅ ମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ହବାର ଦରକାର, ତାହେଲେ ପାଣିର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆରେ ଏତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର କଣ ଅଛି? ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏରିଆରେ କୂଅ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଦେଖିକି ଚୁନୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ରାତିର ସମୟରେ ଚୁନୁ ଛେଳି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ବସିକି ଭାବୁଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାଣୀ ପିତାଜୀଙ୍କର କେତେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ରାଜା ବନିଯିବି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହିଁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ବିଲୁ ଆସେ। କଣ ଭାବୁଛୁ ଚୁନୁ, କଣ ତୁ ସମ୍ମାନ ଏଟାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ, ହେଲେ କେମିତି? ଦେଖ ଚୁନୁ, ଶେରସିଂ ମରିବା ପରେ ତୁ ହିଁ ରାଜା ହେବୁ ଜଙ୍ଗଲର, କିନ୍ତୁ ଶେରସିଂ କେବେ ମରିବ ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁ କାଲି ରାଜା ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ତୁ ବନିପାରିବୁ। ହେଲେ ସେଟା କେମିତି? ଶେରସିଂକୁ ମାରିକି। ଆରେ ଭାଇ, ଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ତ ମରିବାର ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ମରିବେ ତୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ରାଜା ହେଇପାରିବୁ, ହଁ ନା? ରାଜା ହେବାର ଲୋଭରେ ଚୁନୁ ଭାବେ, ବିଲୁଆ ଠିକ କଥା କହୁଛି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ବାପା ମରିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ଆଉ ଏମିତି ବି ସେ ମୋର ନିଜ ବାପା ନୁହେଁ। ପୁଣି ବିଲୁଆ ଚୁନୁକୁ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଏବଂ ବିଷ ଦିଏ, ଏଇ ନିଅ ବିଷ, ଏଇ ଫଳରେ ବିଷକୁ ମିଶେଇକି ଶେରସିଂକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅ। ବିଲୁଆ, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ରାଜା ହେଇଯିବି ନା, ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବି। ପୁଣି ଚୁନୁ ଫଳରେ ବିଷ ମିଶେଇକି ଶେରସିଂ ପାଖକୁ ଆସେ। ଇଏ ନିଅନ୍ତୁ ବାପା, ମୁଁ ଆକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତୋଳିଅଛି। ଶେରସିଂ ଫଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଟିକେ କଡା ଲାଗିବାରୁ ସେ କୁହେ, ଫଳ ଟିକେ ପିତା ଲାଗୁଅଛି, ତୁ ଆକୁ ତୋ ହାତରେ ତୋଳିଅଛୁ ନା? ହଁ ବାପା, ହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା, ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଷ ଦେଇ କିଏ ବି ମାରିପାରେ ରାଜା ବନିବା ପାଇଁ। କଣ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ପୁଅ ମାନିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ବିଷ ପିଆଇବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ହସି ହସି ବିଷ ପିଇ ନେବି। ଏତିକି କହିକି ଶେରସିଂ ହସି ହସି ବିଷର ଫଳଟାକୁ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଶେରସିଂର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ହଠାତ୍ କିନା ଶେରସିଂର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଶୁଣିକି
जंगल रे पूरा आतंक छाई जाए आ अन्य दिन भालू जंगल रे गोटिया सभा डाके भाई माने सिंह राजा को बिना जंगल एकदम सुनसान लागुछि हां भालू भाई आ राजा को बिना तो ए सिंहासन भी निछटिया लागुछि तमे ठीक कहि ओछ बिलुआ एथि पई ए सभा को आमे माने आसु ओछु कुहुं तो हमहु कबे कोन करिवार अछि सुजोग पाई की मंत्री बनिवार लालसरे चालक बिलुआटी कुहे वर्तमान अमुक शेरसिंह रे पुआ चुन्नु छेली को जंगल रे राजा कर देबा उचि कुह भाई माने आपनकर कोन निष्पत्ति हां हां चुन्नु छेली ही आमो जंगल रे राजा हबो हां हां छेली ही आमर राजा हबो दरकार समस्तंकर निष्पत्ति सुनी की जंगलवासी चुन्नु छेली को जंगल रे राजा करबा पई निष्पत्ति नियंती राजा हेबा क्षणी चुन्नु मन मन रे भाबे एबे आसीबो मजा मु ए मानु को एमिति हैरान करबी एमिति हैरान करबी ए माने जन्म हिचंदी बोली बहुत पछताइबे अन्य दिन सिंहर सिंहासन रे बसी कि चुन्नु छेली को हे मंत्री आज्ञा मो पई कोला पहाड़ रु चमेली फूल आनी के आसो आज्ञा महाराज हेले महाराज कोला पहाड़ तो बहुत ही विपददायक अटे सेठा तो बहुत खुंखार जीव माने रहउछंती तो कोन हैला तमे माने को राजा पई एति किछु करि परिबो नै हेले महाराज हेले वेले किछु नै एटा होची मोर हुकुम राजा रो आदेश सुनी कि हरिण आ हरिणी कोला पहाड़ को फूल तोळीबा को जांती किंतु सेठारे हठात किना किछि बाघ आसी कि तांको आक्रमण करिनियंती आ हरिण आ हरिणी मृत्यु मुखरे पहुचंती एही कथा जंगल रे निया भळे व्यापी जाय अन्य दिन राजा सभा डाकंती महाराज एही चमेली फूल पई अमर दुईटा प्राणी माने मरि सारि लेणी से माने मरि नहांती शहीद हिचंती निजे राजांकर इच्छा को जदि पूरा करिया पई मरि जांती ताले से मृत्यु नुहे वीरगति अटे चिन्नु छेली निजे मोहताज रो भूल फायदा उठै कि जंगल वासी को नित्य दिन हैरान करु थाय मंत्री आज्ञा मते आजि बरकोळी खाइबा को बहुत इच्छा होछे हेले महाराज बरकोळी मध्ये से खुंकार कोळा पहाड़ नै अछि हां महाराज सेठी के जीवा माने बहुत विपद अटे अरे माकड़ छुआ मुए जंगल रे राजा अटे मुए आदेश करूछि तमे माने सेठी के जाओ आ बरकोळी नै कि मो पई आसो निजो इच्छा न हेबा सत्वे मध्ये माकड़ को सेई कोळा पहाड़ को जीवा को पड़िला आ कोळा पहाड़ रे माकड़ रे अवस्था मध्ये हरिण परि हेइ जाय चुन्नु छेली बारंबार जंगल वासी को मृत्यु मुख को पहुंचौ थाए जहाँ कारण जंगल प्राणी संख्या एवं कम होगा लगला नुआ राजा द्वारा हैरान हो गोटे राति समस्त प्राणी गोटे गुप्त मीटिंग को डाकती सांग माने ये राजा ये सिंह राजा ठारु बहुत अलग अटे आ ये चुन्नु छेली छुआ आमको बहुत 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 हैरान करूछि हाँ ये छेली छुआ बहुत खराब अटे आम जंगल पशु पक्षी मान जीवन चली गला समस्त जंगलवासी चुन्नु छेली द्वारा हैरान होई जाय थांती आ सेठी चुन्नु छेली गुंफा रे अंगूर खाइबा को बसीथिला तबे हठात किना बहुत सारा बाघ आसी कि चुन्नु छेली को घेरी जांती अरे बाप रे ये बाघ कोड पळे आसले एबे त देखि ये बंचे बछई छुआ देखो बाघ मु एठा रहउछि राजा मते केही मारि परिबे नाही तू निजे बापा को मारि परिबु कोन ये तते मारि परिबे नी बिलुआ तू हाँ मु जेपरि भाबरे तू मते जंगल रे मंत्री बनेबा को लालस देथिलो ठीक सेपरि भाबरे एमाने मते जंगल रे प्रधानमंत्री बनेबा को लालस देछंती धोखाधारी गद्दार मु नुहे तू पिला बेले जेतर जीवन बंचैथिला राजा हेबर लोभ नै कि तू ताकु ही मारि देलु बाघ भाई एहा कु मारि कि तुमे राजा हेइ जाओ समस्त बाघ चुन्नु उपरे आक्रमण करियंती सते बेले सेठा को शेर सिंह रो आत्मा आसी जाय रहि जा जदि मु पोर किछि भी हेइ जाय ताले मु समस्तंकर जीवन नै जेबे अरे एटा तो सिंहर आत्मा अटे बंची पर अछि जदि पळाओ अटु शेर सिंहर आत्मा को देखि कि समस्त बाघ डरी कि सेठु पळई जांती निजे बापांकर आत्मा को देखि कि चुन्नु त आश्चर्य हेई जाय बापा आपण मते कोन पई बंचेले मु तुमार जीवन बंचे गोटे जीवन देथिली तुमको मु पुओ बनी किना सहारा देथिली तू राजा बनिबा लोभरे मते ही जीवन रु मारि देलु बापा मते क्षमा कर दियंतु तते कौन लागिला तू मते विष दे अछु ये मु जानि नथिली से दिन फल रे विष मिसिबा समय रे मु तते मु आखी रे देखि देथिली पिताजी जानि सुनि मध्य आपण से विष फल खाइ देले हां मु मो पर रक्त लालसा देखि मु जमा भी सही पारिली नहीं आ मु मृत्यु को कुंढाई पकाइली मो द्वारा बहुत बड़ भूल हेकला पिताजी मते क्षमा कर दियंतु मन रखे बपू जीवन रे जहा किछि बुणिबो तहा ही पाइबो जते भूल करिबो ताहले तुम सहित भूल ही हबो राजा शेर सिंह रो कथा सुनी कि चुन्नु छेली को निजो भूल रो पश्चाताप हेबा को लागे एबे भी समय अछि सुधरी जाओ एहि रिय पशु पक्षी मानकु हैरान जमा भी कर नहि जदि मु बाघ मानक पकरु तते बंची पारे
ताहले मु तते मारी भी पारे। मते क्षमा कर दियंतु पिताजी, मु राजा हबा पई पागल हि जाइथिली। एबे हि जंगलवासी मानकु जमा भी हैरान करबि नाही, सबबले एमानकर सहाय्य करबि। एहा सुनि कि शेर सिंह रा आत्मा बहुत खुशी हेई जाय, पुनी ताकु आशीर्वाद दे कि सेठु अदृश्य हेई जाय। ता परदिनोठु चुन्नु छेली जंगलवासी को हैरान करबाटा छाडी देला। वर्तमान जंगलवासी खुशी रे निजर जीवन यापन करुछंती। जदि आमर वीडियो आपण मानको पसंद आसुअछि ताले प्लीज आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु, आउ हां वीडियो को लाइक और शेयर करबा केबे भी भूलंतु नहीं। धन्यवाद।